लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का दिया जवाब। कहा, बजट से मध्य वर्ग के बीच निराशा का भाव पैदा करने की हुई कोशिश, सरकार ने उन्हें 12,000 करोड़ रुपए के नए फायदे पहुंचाए। अपने भाषण में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा, आपके मुंह से लोकतंत्र शब्द शोभा नहीं देता, आपने 90 बार धारा 356 का किया दुरुपयोग। पीएम ने राहुल गांधी के अध्यक्ष चुने जाने पर भी उठाए सवाल। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर पीएम मोदी का वार। कहा, विदेश में जाकर देश को करते हैं बदनाम। डोकलाम विवाद के दौरान भी चीनी अधिकारी से मिले थे राहुल। पीएम मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश के पहले पीएम बनाने पर उठाए सवाल। कहा, कांग्रेस कमेटी की वोटिंग के आधार पर अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पीएम बनाया होता तो आज कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास नहीं होता। बेरोजगारी को लेकर विपक्ष के निशाने पर आए पीएम ने संसद में दिया जवाब। कहा, तमाम आरोप झूठे। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, ओडिशा समेत 4 गैर बीजेपी शासित राज्यों में सिर्फ 1 करोड़ लोगों को मिली नौकरियां। पीएम मोदी के भाषण पर राहुल गांधी का हमला। पीएम से पूछे 3 सवाल। किसान, राफेल डील और रोजगार पर क्यों नहीं बोले पीएम मोदी। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में उठाए मुस्लिम वर्ग के लिए विशेष कानून बनाने की मांग। मुस्लिमों को पाकिस्तानी बोलने वाले को मिले 3 साल की जेल की सजा। असदुद्दीन ओवैसी की मांग पर गरमाई सियासत। बीजेपी सांसद विनय कटियार ने जवाब में दिया विवादित बयान। कहा, मुस्लिमों का हमारे देश में क्या काम, पाकिस्तान और बांग्लादेश जाए मुस्लिम। अपने सहयोगियों से बुरे व्यवहार को लेकर शिवसेना का बीजेपी परिवार। सामना में लिखा, पुराने सहयोगियों को कट्टर दुश्मनों के रूप में दिखाना घृणित और दुखद। पीएम नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदा बेन सड़क दुर्घटना में घायल, सिर पर आई चोट। राजस्थान के कोटा चित्तौड़ हाईवे पर हुआ हादसा। रक्षा क्षेत्र में भारत को बड़ी कामयाबी। ओडिशा परीक्षण केंद्र से किया पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल प्रक्षेपण। स्वदेशी तकनीक से विकसित परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है मिसाइल। विजय माल्या को लेकर वित्त मंत्रालय ने दिया अजीबोगरीब बयान। केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा, नहीं है शराब कारोबारी विजय माल्या को दिए कर्ज की जानकारी। RBI ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 6% पर रखा बरकरार। सस्ते कर्ज के लिए अभी करना पड़ेगा इंतजार। ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो 2018 की शुरुआत। पहली बार दिखेंगी 50 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां। 7 दिन तक चलने वाले ऑटो एक्सपो में करीब 8 लाख लोगों के आने की संभावना। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में रेत से भरा ट्रक गड्ढे में गिरा, 8 मजदूरों की मौत, 8 जख्मी। यूपी बोर्ड की परीक्षा के पहले ही दिन खुली सरकार के दावों की पोल। मेरठ के इंटर कॉलेज में परीक्षा शुरू होने से पहले पेपर लूटने की कोशिश। हमलावरों ने प्रधानाचार्य उनके ऑफिस कर्मचारी से की मारपीट। इटावा की एक प्राथमिक पाठशाला में 3 दिनों से छात्रों को नहीं मिला मिड डे मील। वेतन नहीं मिलने से नाराज खाना बनाने वाली महिलाएं हड़ताल पर गईं। प्रशासन ने कार्रवाई की कही बात। पाकिस्तान ने UN में फिर उठाया कश्मीर का मुद्दा। 1984 रिजोल्यूशन की समीक्षा की मांग। रिजोल्यूशन में कश्मीर के भविष्य का फैसला करने के लिए जनमत संग्रह कराने की कही गई है बात। फिल्म मयारी सेंसर बोर्ड से हुई पास। 2 बार डेट टलने के बाद अब 16 फरवरी को रिलीज होगी फिल्म। पहले 26 जनवरी को ही होनी थी प्रदर्शित। और राजस्थान हाईकोर्ट ने संजय लीला भंसाली को दी राहत। फिल्म देखने के बाद कोर्ट ने रद्द की याचिका। कहा, फिल्म में राजस्थान के शौर्य को दिखाया गया।